ABPS News। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABPS News। मैं शिल्पी त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर से भाजपा विधायक उमेश मल्लिक जी, जो कि अपने क्षेत्र से पहली बार विधायक हैं और ये 14,000 वोटों से जीते हैं। आइए उनसे बात करते हैं गांव के विकास को लेकर। विधायक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। विधायक जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो आज के समय में जो किसानों की हालत है उसके लेकर आप क्या कहेंगे? आज के समय पर किसानों की बहुत अच्छी स्थिति में किसान हैं, और मैं समझता हूँ जो पिछली सरकारों ने 2014, 2015, 16, 17 तक जो गन्ने का भुगतान, क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्र पूरा गन्ना किसानों का क्षेत्र है, जो भुगतान पिछले 3-4 फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर पाई थी, जैसे ही हमारी सरकार आई, और हमारे संकल्प पत्र में भी था कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम हम गन्ने के भुगतान का करेंगे। मैं समझता हूँ कि पिछले वर्षों का सारा भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है, और अगर वर्तमान सत्र की बात करें अब तक लगभग उत्तर प्रदेश सरकार 9,000 करोड़ का भुगतान गन्ने का कर चुकी है। मात्र 2,500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश का बकाया है, और मैं समझता हूँ सत्र चलते चलते इसी सीजन में वो भुगतान भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। स्थिति है बिजली की, बहुत बुरी हालात हमारे थे, जनरेटर लगा लगा कर लोग बाग अपने खेतों की में भराई कर रहे थे। आज गांवों में 18 घंटे, तहसीलों में लगभग 20 घंटे, और मुख्यालयों पर जनपद स्तर पर 24 घंटे बिजली दी जा रही है। दो ही चीज़ होती हैं बहुत बड़ी हमारे क्षेत्र में, तो मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, अपने जनपद की बात करूं, गन्ना किसानों को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, और बिजली इतनी आ रही है कि ट्रैक्टर से, जनरेटर से जो अपने खेतों की भराई करते थे उन्हें बहुत बड़ा आराम मिला है। विधायक जी, जो ये आप बात कर रहे हैं कि बिजली सब जगह आ रही है, ये आप अपनी क्षेत्र की बात बता रहे हैं, अदर जो क्षेत्र हैं उनकी भी बात बता? मैं जनपद के साथ साथ पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात बता सकता हूँ कि बिजली की समस्या का समाधान हो गया है, और एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी गर्मियों के समय पर भी और सर्दियों में भी, ट्रांसफार्मर फूक जाया करते थे। किसान अपने ट्रांसफार्मर को गाँव में पैसे इकट्ठे करता था, इकट्ठा करके फिर उसको जुगाड़ वगैरह हमारे यहाँ बहुत चलते हैं उसमें लदवाता था, लदवाने के बाद फिर उसको स्टोर में जमा करता था, स्टोर में जमा करने के बाद फिर सिफारिश लगवाता था, पैसे देता था। अब ये सब कुछ सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है, और जो पहले से भी ऐसा नहीं है कि पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले भी ये सिस्टम था, लेकिन अब वो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि अगर ट्रांसफार्मर फूकेगा, खुद बिजली विद्युत विभाग के लोग जाएंगे, उसको उतारेंगे, उसके कागज़ तैयार करेंगे, और अगले 24 घंटे में वापस उस ट्रांसफार्मर को लगाएंगे। बहुत बड़ी समस्या ये हमारे क्षेत्र की थी। एक और बहुत बड़ी समस्या थी कि जैसे मैं बुढ़ाना विधानसभा से विधायक चुन कर आया हूँ, उत्तर प्रदेश की जो पिछली सरकार थी, मेरी विधानसभा के समझो 13 गाँव बर्बाद करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। मेरी विधानसभा में वे सारे गांव हैं जहां पे दंगा के समय पे गांवों के उत्पीड़न हुए, थाने में बैठ के वोटर लिस्ट मंगाकर उसमें निशान लगा लगा कर फर्जी मुकदमे लगा कर हजारों की तादाद में नौजवान लड़कों को जेल भेजने का काम किया। ऐसा क्षेत्र कि वो उनका बिजली का जो एक्शन ऑफिस होता है, डिवीजन ऑफिस जिसको बोलते हैं, वो वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर खतौली चलता था। लेकिन जैसे ही मैं बधाई देता हूँ अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री श्रीकांत शर्मा जी को कि उन्होंने जैसे ही सरकार बनी उन्होंने एक सर्कुलर किया, पास कर दिया कि हर तहसील स्तर पर एक डिवीज़न होगा, हर तहसील स्तर पर एक एक्शन बैठेगा। मैंने भी नियम 51 के अंतर्गत विधानसभा में ये प्रश्न उठाया था कि हम मेरे यहाँ बुढ़ाने में तहसील है वहाँ पर कोई डिवीज़न नहीं है, एक्शन नहीं बैठता है, तो अगले ही एक महीने में यहाँ से लखनऊ से वो पास होकर चला गया, और आज हमारा भी एक्शन पिछले ढाई महीने पहले मैंने उसका उद्घाटन किया है, हमारा एक्शन बुढ़ाने में ही बैठना शुरू हो गया है।
बिजली का कोई किसी को बिल जमा करना हो, किसी को दिक्कत हो, किसी को कोई भी समस्या हो, तो किसान केवल 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पे जाके अपने बिजली के बिल जमा कर सकता है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जितना भी और एक बहुत बड़ा काम किया है, 36,000 करोड़ रुपये जो किसानों पे कर्जा था। मेरी विधानसभा केवल, मैं अगर केवल अपनी विधानसभा की बात करूँ, लगभग 11,105 किसानों को अनुदान मिला है। आज मात्र मैं 47 करोड़ रुपए मेरी विधानसभा में किसानों का जो कर्जा था वो दिया गया, आज मात्र 7 करोड़ रुपए बकाया मेरी विधानसभा का रहा है। और पूरे जनपद की बात करूं तो लगभग समझिएगा कि पूरे मुजफ्फरनगर जनपद पे 563 करोड़ का कर्जा था, जो मात्र अब घट के 47 करोड़ का कब्जा मेरे जनपद के किसान भाइयों पे रहा है। इतना बड़ा काम आज तक पहली बार कोई सरकार, जिसने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और हमारे संकल्प पत्र में भी था, यह आह्वान किया था कि लघु और सीमांत किसानों का अगर हमारी सरकार आई तो हम सब कर्जा माफ़ करेंगे, वो करके दिखाया। और एक आश्चर्य की बात यह है कि वो 36,000 करोड़ रुपए ऐसा नहीं कि अलग से हमने कोई पैसे का आवंटन किया हो या वैसे किया हो, जब वो किया गया तो विधानसभा में पूछा कि भाई इसको कहाँ से दोगे, बजट तो ही नहीं। तो आदरणीय योगी जी की को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उन्होंने कहा कि ये पैसा हम जानते हैं कहाँ से आएगा और हमारे जो खुद के विधायक, हमारे नेता, हमारे मंत्री हैं, उन्हीं में से कटौती करके ये पैसा पूरा किया गया। इतनी बड़ी महानता का काम किया है। तो आप कहते हो कि किसान आज परेशान है, मैं कहता हूँ किसान परेशान नहीं है, बल्कि वास्तविक में ये सरकार किसानों की है, उन गरीबों की है जो आखिरी छोर पे बैठा है, जो झोपड़ी पे बैठा है, जिसे भगवान मानकर, भगवान का रूप मानकर भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चल रही है। लेकिन विधायक जी, जो आप कह रहे हैं ये बात तो सही है, लेकिन किसानों को कर्जा लेना क्यों पड़ता है, इसका कारण क्या है कि जबकि किसान जो वो अन्नदाता कहलाता है फिर भी उसको कर्ज लेना पड़ता है? देखो, किसान पहले जमीन ज़्यादा होती थी, लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ता है तो जमीन बढ़ जाती है। मान लिया एक किसान के पास 20 बीघे ज़मीन है, उसके 4 बेटे हैं, तो उन चारों बच्चों में वो ज़मीन बटी ना। किसान के यहाँ शादी आती है, विवाह होता है, क्रेडिट कार्ड का सिस्टम, जब हमारे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार आई थी, जब ये क्रेडिट कार्ड वाला काम चालू किया था। आज किसान कर्जा कहीं बाहर से ले रहा है, वो अपने क्रेडिट कार्ड से भी ले रहा है, कोऑपरेटिव बैंक से ले रहा है, सोसाइटी से ले रहा है। खाद का समय आता है, जब खाद डालना पड़ता है, फसल आ जाती है, उस समय पैसा नहीं होता। और वास्तविकता तो ये है कि अब ये सरकार इस प्रकार से चल रही है कि भविष्य में किसान को कर्जा लेना ही नहीं पड़ेगा। मैं अभी आपको बताया, 2014-15, 2015-16, 2016-17 करोड़ों का, अरबों रुपए गन्ना किसानों का बकाया था, पैसा ही नहीं मिल रहा था। बेटी की शादी करनी होती है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, इधर उधर के अपनी रिश्तेदारी भी निभानी पड़ती है, उनके लिए जब भुगतान नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगा, तो कर्जा तो उस समय लेना ही होगा। लेकिन अब जो सिस्टम उत्तर प्रदेश सरकार का चल रहा है, भविष्य में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान अपना काम चलाया करेगा। ये क्रेडिट कार्ड का पहले की सरकारें उन पर भी ध्यान नहीं दे रही थी, आज क्रेडिट कार्ड का सिस्टम इतना बढ़िया हो गया है कि, और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उत्तर प्रदेश सरकार ने घटा दिया है। विधायक जी, ये तो आपकी बात सही है, लेकिन जो किसानों का जो कर्जा माफ हो, जैसे किसान 10 रुपये कर्जा लेता है, उसमें से अगर 2 रुपये सरकार माफ़ कर देती है, तो जो 8 रुपये का जो कर्ज है वो तो उसके सर पे है ना अभी, तो जब वो कर्ज जब तक वो उतार नहीं पाएगा तो कैसे अपने परिवार को खुश रखेगा? इस पर क्या कर रही है आपकी सरकार? किसान कर्जा लेता है, कर्जा क्योंकि पिछली सरकारें फसलों के दाम नहीं दे रही थी। हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना भी है और उसको क्रियान्वित करने का प्रयास भी हो रहा है, हो भी रहा है, चालू भी हो गया है कि एक किसान की हम दोगुनी आय करेंगे। जब दोगुनी आय करेंगे, होनी शुरू भी हो गई है। कब तक हो जाएगी किसानों की दोगुनी आय? ये चल रहा है। अभी गांव-गांव में उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुओं के मेले लगाए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरोग्य शिविर के नाम पर गांव-गांव में लगाए, अपने प्रतिनिधियों को आदेश भी किया कि प्रत्येक मेले में आप उपस्थित रहोगे गांवों में, यहां तक कि पशुओं के सैंपल लेकर
ऊपर अभी एक घोड़ों के अंदर एक बीमारी चली थी कैलेंडर, और वो बीमारी ऐसी थी कि जो फैलती थी पशुओं के अंदर एकदम। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया, गांव-गांव में डॉक्टर भेजे, मेले लगाए, मेलों के माध्यम से पशुओं के सैंपल लिए गए और वो सैंपल दिल्ली भेजकर उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट आई वो गांव में भिजवाई गई पशुओं के माध्यम से। अभी गांव में मेले लगे हैं, किस तरह से एक गाय या एक भैंस डेढ़ गुना दो गुना दूध देना शुरू करेंगी, हमें क्या क्या उनको खिलाना चाहिए, किस समय घास डालना चाहिए, किस समय पानी पिलाना चाहिए, कौन सा हमको पाउडर पिलाना चाहिए, खल देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, किस समय कौन सा हरा घास गिरना चाहिए, ये सब मेले के माध्यम से गांव के किसानों को शिक्षित करने का प्रयास हो रहा है और हो भी रहा है, परिणाम भी आ रहे हैं। और खाद, अभी जो वो था हमारा खाद, उसको नीम कोटिंग कर दिया गया, उसकी जितनी पहले लगती थी मात्रा उससे बहुत कम मात्रा लगनी शुरू हो गई है। बहुत मतलब बहुत सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार में, देश में प्रधानमंत्री योजनाओं के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं इस प्रकार की चला दी गई हैं, जिनके सबके माध्यम से ये आय निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। जब किसान की आय दोगुनी हो जाएगी तो वो कर्जा लेने क्यों जाएगा, जब गन्ने का भुगतान समय पे होगा कर्जा लेने क्यों जाएगा, जब गेहूं की खरीद अच्छी होगी, पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर सोसाइटी के ऊपर गेहूं की खरीद हुई, और मैं समझता हूं पिछले 15-20 वर्षों में उसके सापेक्ष इस बार लगभग 40% ज़्यादा गेहूं की खरीद हुई। जब गेहूं की खरीद होगी, गेहूं का दाम मिलेगा, समय पर मिलेगा, उसके खाते पर पहुँचेगा, गन्ने का भुगतान साथ के साथ होता रहेगा, तो उसको कर्जा लेने की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। और जो कर्जा पिछली सरकारों ने उत्पीड़न और शोषण जो किसान का किया है उस वजह से लेना पड़ा है, उसी लिए तो कर्जा माफी का ये 36,000 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार ने बनती एकदम दिया है। अब मात्र मैं समझता हूँ किसान के पास 10 या 15% कर्जा रह गया होगा, वो अपनी, क्योंकि उनका भुगतान समय पर होगा, वो उस कर्जों को दे पाएगा, दे देगा। विधायक जी, जैसे कि आपने कहा कि पशुओं की जो देखभाल के लिए जो डॉक्टर गांव गांव गए हैं उनकी रिपोर्ट्स भी बन के गई हैं, यही बात आपने कही, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि गांव में पशु चिकित्सालय वगैरह भी होना चाहिए? ऐसे पशु की सुरक्षा कैसे होगी? अभी इसकी भी घोषणा हुई है, हम पशुओं के जो चिकित्सालय, जो उनके अस्पताल हैं, वो न्याय पंचायत स्तर पर करने जा रहे हैं। पहले क्या था कि एक ब्लॉक के अंदर एक या दो पशुओं के अस्पताल होते थे, लेकिन अभी न्याय पंचायत पे हम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ, मैं अपनी विधानसभा की बात करूँ तो अभी अगले एक साल के अंदर अंदर 4 पशुओं के अस्पताल बनने जा रहे हैं, और पहले से भी मतलब जो निर्माण हो चुके हैं वे भी ऑलरेडी 2-3 हैं। और ऐसा तो संभव नहीं हो सकता क्योंकि एक गाँव में एक अस्पताल ना चल सकता ना चलाया जा सकता, लेकिन न्याय पंचायत का मतलब जैसे कि मेरी विधानसभा में 15 न्याय पंचायत हैं, और 15 न्याय पंचायत में अगर अभी 4 चल रहे हैं दोनों कस्बों में हैं, और अगर 4-5 और अस्पताल खोल दिए जाएं तो ये व्यवस्था ठीक प्रकार से चल रही है। पहले डॉक्टर्स जाया नहीं करते थे गाँव की ओर, पहले गाँव में से पशुओं को लेके बहुत दूर जाना, अब तो गांव-गांव में मेले लग रहे हैं और वो मेलों के माध्यम से पूरी टीम वहाँ जा रही है, 5-5-6-6 डॉक्टर जाके पूरे दिन का शिविर लगाते हैं, पूरे दिन मेले के रूप में लगाते हैं, और ये भी बताते हैं कि कहाँ से किस प्रकार से आपको करना चाहिए, सीमेन कहाँ से लेना चाहिए, हमारी लेबोरेटरी वहाँ पे है, किस तरह से टेस्ट होने चाहिए, ये सारा बता रहे हैं और अपना नंबर दे के जा रहे हैं। और ऐसी व्यवस्था कर दी है कि ब्लॉक के ऊपर 5 डॉक्टर बैठेंगे रेगुलर बैठेंगे, उनका फ़ोन नंबर, एक फ़ोन नंबर वो दे के आते हैं गांव में। उन 4-5 डॉक्टर्स ने अपना एरिया बांट लिया कि इस न्याय पंचायत को दोनों को मैं देखूंगा, इसको मैं देखूंगा, और उनके पास फ़ोन जाते ही स्वयं डॉक्टर गांव में भागता है। पहले पशुओं को लेके जाना पड़ता था, अब बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार ने उल्टा कर दिया, अब तो डॉक्टर खुद उनके दरवाजे पर जा रहा है। और एक बहुत बढ़िया व्यवस्था, एक बार 1994 में एक केंद्र सरकार से एक उत्तर प्रदेश में एक लेटर आया कि डार्क जोन एरिया में किसानों को ट्यूबवेलों के कनेक्शन नहीं मिलेंगे, और उस लेटर को ऐसा
प्रकाशित कर दिया गया कि किसानों को ट्यूबवेलों के कनेक्शन नहीं मिलेंगे। वास्तविक में वो जियो इस प्रकार का था कि जो फैक्ट्री, कोका कोला फैक्ट्री, बर्फ फैक्ट्री, उन लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिलेंगे, वो लेटर था। मैंने ये प्रश्न विधानसभा में भी उठाया था कि डार्क जोन हमारा क्षेत्र है और वहाँ पे किसानों को ट्यूबवेलों के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। बहुत ही गंभीरता से अभी नगर पालिका के चुनाव में आदरणीय योगी जी मुजफ्फरनगर गए और वहाँ पे उन्होंने घोषणा की कि डार्क जोन खोले जाते हैं, और आने के बाद जब गंभीरता से देखा तो वो जियो कुछ और बोल रहा था, और तत्काल सारे अधिकारियों को आदेश दिया गया डार्क जोन कोई नहीं है, डार्क जोन केवल उन लोगों के लिए है जहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है, जहाँ पे कोको कोला की, बर्फ की, इस प्रकार की फैक्ट्री है वहाँ पे केवल ये जियो काम करेगा। ट्यूबवेलों के सभी किसानों को कनेक्शन मिलेंगे, चाहे भले ही डार्क जोन हो, ऐसा योगी जी ने घोषणा कर दी और काम शुरू हो गया है। पहले क्या था, एक बाबा है, उसके चार बच्चे हैं, चारों अलग अलग बंटवारा करके बैठ गए, ट्यूबवेल एक है, ट्यूबवेल के ऊपर आज मेरा ओसरा है, ओसरा बोलते हैं हमारे यहाँ नंबर को, आज मेरा ओसरा है, आज मेरा ओसरा है, इस तरह की ओसरों के चक्कर में, क्योंकि एक किसान का खेत सूखता है, उसको दर्द होता है, उसको दुख होता है, उसके परिवार को भी दुख होता है, जब मेरा खेत सूख जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा, छोटे छोटे खेत हैं, उनमें आपस में झगड़ा होता था, रात को पानी काट लिया जाता था क्योंकि कनेक्शन नहीं मिलते थे। देखिएगा पिछले 15 सालों से कितना बड़ा अत्याचार, कितना बड़ा शोषण उत्तर प्रदेश के ड्रॉग जोन एरिया के किसानों के साथ सरकारें कर रही थी। इस विषय को योगी जी ने बड़ी गंभीरता से लिया और तत्काल आदेश कर दिया, अगर कोई अधिकारी किसान को कनेक्शन देने के लिए मना करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसको तुरंत उस स्थान से हटा दिया जाएगा। आज किसान बहुत खुश हैं, अगर चार भाई हैं अलग अलग कनेक्शन लेकर अपने बोरिंग कर रहे हैं, अपने ट्यूबवेल चालू हो गए हैं। मैं कहता हूं कि ये सरकार तो 80-85% किसानों के लिए काम कर रही है। देखिए जैसे आपने कहा कि किसानों के लिए खाद दी जा रही है, तो जो अदर प्रदेश हैं उसमें जो खाद का रेट है वो 300 रुपये कुछ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 32 रुपये ज़्यादा लिया जा रहा है, ये किस बात का लिया जा रहा है? ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी हो गई है। हर प्रदेशों का एक अलग अलग टेस्ट होता है कि किसान कौन सा खाद प्रयोग करता है। हमारे यहाँ ज़्यादा यूरिया को यूज करते हैं, और यूरिया को नीम कोटिन इसीलिए किया गया प्रधानमंत्री जी ने किया है क्योंकि यूरिया की जो उसका यूज़ दूसरे केमिकल्स में भी होता था, उनको सोसाइटी पर जाने से पहले बहुत सारी बड़ी फैक्ट्री जो केमिकल्स में उसको यूज करती थी उसको परचेज कर लिया करती थी, मारामारी रहा करती थी। कहीं पे 100, उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ, 100 कट्टे यूरिया जाना है, समिति पे जाना है, सोसाइटी पे जाना है, वहाँ पे 40 कट्टे पहुँचते थे, 60 कट्टे रास्ते में गायब कर दिए जाया करते थे, और 40 कट्टे लेने के लिए सुबह 4-5 बजे किसान अपनी बुग्गी झोटा लगाकर लाइन में लगा के खड़ा हो जाता था, आपस में झगड़े भी होते थे, सुबह 5 बजे लगा दिया, रात को शाम तक एक एक कट्टा मिलता रहा और शाम को बताया कि यूरिया ख़त्म हो गया। बहुत बुरे हालात किसानों के थे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब से नीम कोटिन इसको किया गया, केवल नीम कोटिन इसको इसलिए किया गया कि जो गलत रूप से प्राइवेट फैक्ट्रियाँ उसको केमिकल के रूप में प्रयोग कर रही थी वो अब कर नहीं रही हैं, पर्याप्त यूरिया जा रहा है, और किसान जब चाहता है, जिस समय जाता है, झोटा बुग्गी जोड़ता है, सोसाइटी पे जाता है, 5 मिनट के अंदर यूरिया का कट्टा खरीदता है और आके अपने घर पहुंच जाता है। ये तो समस्या का समाधान किया है। दूसरे प्रदेशों में वो कौन सा खाद प्रयोग करते हैं, वो सॉइल टेस्टिंग के बाद उनकी ज़मीन कौन सा खाद मांग रही है, बिल्कुल अलग विषय है। ऐसा नहीं है, यूरिया का खाद घटा है, जो इसका रेट है घटा है, और इसका नहीं, जितने भी खाद जमीन में किसानों को प्रयोग करने हेतु जो मार्केट में होते हैं उनका सबका रेट घटा है। ये तो बात है किसानों की, अगर गांव के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य की बात की जाए तो गांव के जो अस्पताल हैं उसमें इतनी गंदगी है कि वहाँ वैसे भी लोग जाना नहीं चाहते, और एक तो वहाँ डॉक्टरों की इतनी कमी है, इसके लिए क्या सरकार सोच रही है, क्या कर रही है कि गांव में जो अस्पताल हैं वो सही हो सकें?
पिछली 15 साल जो उत्तर प्रदेश में सरकार चली है, इस विषय पे गंभीरता से सोचा ही नहीं गया है। आज मैं समझता हूँ डॉक्टर्स की उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी कमी आ गई है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स का सिलेक्शन होता है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के बाद फिर वैकेंसी निकलती हैं, ये प्रक्रिया महीने, दो महीने, चार महीने की नहीं है। इस प्रक्रिया में लगभग मैं समझता हूँ कि 1 साल 1.5 साल लगने ही वाला था। उसके बावजूद भी मैं बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को कि उन्होंने बहुत ही जल्दी लगभग 2500 डॉक्टरों की व्यवस्था की है। 2500 डॉक्टर उनकी व्यवस्था हो गई है। और पहले तो स्थिति ये थी कि जो बड़े नगर पंचायतों में या नगर पालिकाओं में बड़े अस्पताल, जिनको आप कह सकते हो बड़े अस्पताल, उनके ऊपर भी डॉक्टर नहीं था, उसकी व्यवस्था कर ली गई है। आज मैं समझता हूँ कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे मेरे यहीं शाहपुर और बुढ़ाना बड़े अस्पताल हैं, चल रहे हैं, वो उनके ऊपर डॉक्टर नियुक्त हो गए हैं। और जो नीचे जो हमारे छोटे छोटे जो स्वास्थ्य वो मनाए जाते हैं, उनके ऊपर भी डॉक्टर पहुंच रहे हैं। और अगले 6 महीने के अंदर अंदर डॉक्टर्स की प्रक्रिया चल रही है और सिलेक्शन होने के बाद में ट्रेनिंग पे हैं। अगले 6 महीने में शायद ये डॉक्टर्स वाली कमी भी पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। तो ये तो थे मुजफ्फरनगर से भाजपा विधायक उमेश मल्लिक जी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब बहुत ही सही से दिए हैं। आगे भी हम आपको अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलवाते रहेंगे। ABPS न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही, और शिल्पी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।